नमस्कार दोस्तों, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने 75 तक वहां तक पढ़ लिया था, आज उससे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो 76 नंबर पे है कि दहन एक क्या है। सब जानते हैं दहन माने कम्बसन, दहन एक रासायनिक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और जल। आप साइंस की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑक्सीजन और जल से ही जंग लगता है। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑक्सैलिक अम्ल से ही जंग वाले दाग हटते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया आरेख पिता पुत्री और परिवार, तो पिता पुत्री परिवार ए ऑप्शन दिखाता है, पिता पुत्री परिवार। ठीक है, तो ये पिता हो गया, ये पुत्री हो गया, ये पूरा परिवार हो गया, तो ये दिखाता है आपका ए ऑप्शन। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में काटा गया है, तो छोटे घन की संख्या क्या करो। ऐसे जो घन की संख्या निकालते हैं, तो घन की संख्या निकालने के लिए हम जो पहला वाला घन था उसका आयतन निकाल लेते हैं ए की क्यू, और नए वाले घन का आयतन से भाग कर देते हैं। तो नए घन की भुजा थी 8, यानी 8 की क्यू, और नए वाले जो घन है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 की क्यू, तो 8 हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8, और 2 की क्यू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 से 8 कर जाएगा 8 64, तो आंसर जाएगा 64, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर पे क्वेश्चन है कि तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, हाँ यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 83 रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इसमें देखी जाती है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा संधिपाद आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। यहाँ पे है कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या है, तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे कि पहले हम सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ लेंगे 10 10 9 10 10 11 10, फिर 11 जमा 9 बटे में, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से भाग कर देंगे, तो सबको जोड़ेंगे 90 बटा 9, ये कट के 10 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ना विचलन। ठीक है, तो विचलन डीएक्स कैसे निकालेंगे, हम ना सबको ना घटाएंगे माध्य में से, माध्य में से मतलब वो मध घटा देंगे। तो जैसे पहला है हम 10 में से 10 घटा देंगे, फिर ऐसी 10 में से 10 घटा देंगे, फिर 10 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम सबको घटा के जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो सबको घटा के जोड़ कर लेंगे और 9 से भाग कर देंगे, तो आपका सबका जोड़ कितना आएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 1, 0 0, ये भी ये कितना आएगा, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 आएगा, तो यानी 4 आएगा ये। ठीक है, तो ये जाएगा 4 बटा 9। अब हमें क्या निकालना है, मानक विचलन। मानक विचलन के लिए अंडर रूट कर देते हैं 4 बटा 9, तो यानी 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। यदि बी मतलब प्रश्न है कि यदि बी ए यदि बी से ए 40% अधिक है, हम पहले ना बी को 100 मान लेंगे, तो ए जो है ना उससे 40% अधिक है, तो 140 हो जाएगा, और सी से बी 20% कम है, और सी से जो बी है वो 20% कम है, तो 20% कम है तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 125 का ही 20% 25 आएगा, 25 कम करने पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि ए और सी का अनुपात ज्ञात करो, तो ए हो जाएगा 140, सी हो जाएगा 125, इसे काट दोगे तो 28:25 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथन दिए गए हैं, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, सभी पुरुष मनुष्य है, उपरोक्त कथनों में से सही निष्कर्ष कौन सा है, तो सभी पुरुष नश्वर है, सभी नश्वर पुरुष है, सभी मनुष्य पुरुष है, सभी नश्वर मनुष्य है। तो देखो प्रश्न था कि प्रत्येक मनुष्य नश्वर है,
ये जो प्रत्येक मनुष्य है कह रहा है कि नश्वर है और सभी पुरुष मनुष्य हैं, तो यानी इसके अंदर सभी पुरुष नश्वर है, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 87। यहाँ प्रत्येक प्रश्न में दो तर्क दिए गए हैं जिन्हें एक और दो क्रमांक दिया गया है। अभ्यार्थियों को यह निर्णय करना है कि कौन सा तर्क सशक्त है और कौन सा निर्बल है। उत्तर दीजिए ए ऑप्शन, यदि केवल तर्क एक सशक्त है और यदि केवल तर्क दो सशक्त है, यदि ना तो तर्क एक ना तर्क दो सशक्त है और यदि तर्क एक और दो दोनों सशक्त हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि क्या धर्म पर कोई रोक लगाई जानी चाहिए। तो नंबर एक है हाँ, इससे लोगों में धर्मंता फैलती है, ये तो गलत है। नंबर दो नहीं, धर्म लोगों को एक सूत्र मानता है, ये सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा 87 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 88। नीचे प्रत्येक प्रश्न में दो कथन एक और दो दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारणों के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन है, दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर विकल्प का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। उत्तर दीजिए ए, यदि कथन एक कारण है, कथन दो प्रभाव है, कथन दो कारण है, कथन एक प्रभाव है, कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र है, कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। तो इस वर्ष राज्य के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सी सीटें खाली रही है और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज इस वर्ष प्रवेश चाहने वाले सभी विद्यार्थियों का समावेश नहीं कर पाए। तो इसके आंसर अंदर आपका जो सोचने पे आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, कि कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों से प्रभाव है, इनपे दोनों स्वतंत्र है। यानी अगला है कि स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, 90 पे लिखा है कि बी लसीकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अगला है 91 नंबर पे कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत। ये व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है और वह अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो अपने ऑफिस 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी ऑफिस कितनी दूर है। तो दूरी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो पहले क्या था कि 40 की स्पीड से जाता था तो ज्यादा समय लगता था और अब उसकी स्पीड 50 हो गई है तो कम समय लगता होगा। तो कितना, तो 15 मिनट पहले देर और 18 मिनट पहले, तो दोनों में 33 मिनट और बटे में 60 से भाग करेंगे तो घंटे हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर देंगे, इसे सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 110 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, इसके एलसीएम लेंगे 200 आ जाएगा, ऊपर 5x घटा 4x और नीचे जाएगा 33 बटे में 60, 5 में 4 गया 1x बटे में 200 बराबर में 11 या 33 और 11 3 से काट देंगे और फिर से हम काट देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 11 गुना में 10, यानी x की वैल्यू 110 किलोमीटर। ठीक है, ऐसी अगला है कि एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, यदि इस समय नगर की जनसंख्या 10,000 हो तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला a प्लस 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n, जनसंख्या अभी कितनी है 10,000 और 1 प्लस 10% तो 10 बटे में 100 की पावर 3 वर्ष। ठीक है, तो ये जाएगा 10,000 गुना, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 110 बटे में 100 की पावर 3 है, तो इसे हम 3 बार गुना करेंगे, 20 से 20, 20 से 20, ये 20 से ये 20 कट जाएगा, तो 13310 ये आंसर जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है,
यदि भिन्न का हर उसकी अंश से तीन गुने से दो अधिक है और यदि अंश और हर में से एक बढ़ा दिया जाए तो भिन्न एक बटा तीन हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? पहले तो भिन्न क्या होता है समझो, भिन्न होता है अंश बटे हर, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, ठीक है। यदि भिन्न का हर उसके अंश से तीन गुने से दो अधिक है तो अंश को x मान लेंगे तो हर क्या हो जाएगा कि तीन गुने से दो अधिक है। यदि अंश और हर में एक एक बढ़ा दें यानी एक एक जोड़ दें तो भिन्न एक बटा तीन हो जाती है। अब इसे सोल्व करना है तो x प्लस एक इधर तीन से गुना हो जाएगा क्रॉस और ये तीन एक्स प्लस तीन गुना हो जाएगा एक से, तीन एकम तीन एक्स प्लस तीन ये हो जाएगा तीन एक्स प्लस तीन। इस क्वेश्चन में कहीं गलती हुई होगी, इसका ऑप्शन ना मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। इसका आंसर एक बटा मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है कहीं, ठीक है। इसका आंसर सी माना जा रहा है, ठीक है। आप इसको चेक करें। प्रत्येक प्रश्न में चार शब्द दिए गए हैं, वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा शब्द ऊपर दिए गए शब्दों के समूहों को सम्मिलित हो सकता है? लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, इनमें इनके जैसा कोई इसमें से है जो शामिल हो सकता है? ये सब राजधानियां हैं तो यहाँ शिमला राजधानी है तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इनके नाम पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑफ्थैल्मोलॉजी। तो ऐसे यहाँ पे कौन सा आएगा तो बी ऑप्शन हेमेटोलॉजी, ठीक है। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं तो यूएन चार्टर में डी ऑप्शन हो जाएगा, छह सिद्धांत है, ठीक है। अगला है कि मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है तो सीडीएमए प्रौद्योगिकी है तो कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, तो इसका आंसर ये तो नहीं है। कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन ये भी नहीं है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे तो याद कर लेंगे, पहला ऑप्शन है SHFJ मानेकशॉ। अगला है कि मानव डिम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, डिम में होते ही नहीं है शायद, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे सामान्य विज्ञान, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है तो किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है तो फ्लोरीन। किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप की सीधा अनुपाती होती है तो चालर्स का नियम। मुंह के दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ हो जाता है जब पीएच मान 5.5 से कम होने पर। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है तो एरोसोल। कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है तो कोबाल्ट के। रणनीतिक धातु के रूप में किसे जाना जाता है तो टाइटेनियम। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो एसिटिलीन। मानव शरीर में किस धातु की मात्रा में विद्युत वृद्धि होने से विल्सन नामक रोग हो जाता है तो तांबा। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है तो आयरन पायराइट को, पायराइटस को, पायराइटस, ठीक है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। समुद्री यात्रा में हॉक्स सिग्नल देने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो फोस्फीन का। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में किसका प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्के एवं सबसे भारी प्रबल औपचारिक तत्व है लिथियम। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो अरस्तु। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है तो 7%। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय। इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है तो मधुमेह। इंसुलिन के अतिश्रवण से
कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। परतपरता अभ्यास प्रभाव का नियम सिखाने हेतु किसने प्रयोग किया था? तो आर्थर थार्न डाइक ने। सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पेवलोव ने। एक व्यवहारिक कुशल व्यक्ति में किस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है? तो संदर्भात्मक बुद्धि। आर्मी बीटा परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? तो सामूहिक परीक्षण। छात्र द्वारा कक्षा में शिक्षा की बातों पर ध्यान देना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऐच्छिक अवधान। MPIA का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किशोरों हेतु। विषय आत्मबोधन परीक्षण में किसी व्यक्ति पर कितने कार्ड का क्रियान्वयन किया जाता है? 20। किससे संप्रत्यय विकास संभावित नहीं होता? शारीरिक बनावट। बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है, यह कथन किसका है? जे रूसो का। पियाजे द्वारा प्रतिपादित स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो 9 से 11 वर्ष की आयु में। ऐसे शब्द जिन्हें बच्चा माता पिता द्वारा आग्रह किए जाने पर बोलता है को क्या कहा जाता है? तो ट्रिक शब्दावली।